रिहर्सल देख रहे हैं सर, किस तरह की एनर्जी जय जी में और रितिका जी में? सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग ने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और सभी दर्शकों को मेरे ओर से हार्दिक प्रणाम। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जय जी की और रितिका जी की केमिस्ट्री काफ़ी देखने लायक है, और एनर्जी लेवल तो माशा अल्लाह कोई जवाब नहीं। तो ऐसा महसूस कर रहा है कि आप उन्हें किसी पिक्चर में जरूर 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 हम जरूर काम करना चाहेंगे। ऐसे हमने रितिका जी के साथ में काम किया और जय जी के साथ में भी काम किया है, दोनों की जोड़ी को हाँ करने की कोशिश करेंगे। दोनों की जोड़ी के साथ काम नहीं किया हमने, जय जी के साथ अलग काम किया और रितिका जी के साथ अलग काम किया है। जी सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि रोटी का कलर आया है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है, बड़े बड़े डायरेक्टर उसके फोटो को पोस्टर को अपने फेसबुक पे रख रहे हैं, डाल रहे हैं। मैं इसके लिए सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमने ऐसा कुछ नया नहीं किया है, या हमारी इंडस्ट्री इसे इतनी कमज़ोर नहीं है कि ये काम नहीं किया जा सके, बस प्रयास की कमी है। यहाँ ऐसा नहीं कि हमारे पास टैलेंट की कमी है या हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे टैलेंट है। आप अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखेंगे और या साउथ की इंडस्ट्री में भी हमारे लोगों का डंका बजता है, जैसे रवि किशन जी हमारे इंडस्ट्री से, लेकिन वो साउथ की इंडस्ट्री तक में काम करते हैं। हमें बस कलाकारों को यूटिलाइज़ करना चाहिए, उनको सही प्लेटफॉर्म देना है कि कौन सा उनके अंदर की काबिलियत को हमें निखारना और वो काम करा के निकालना, ये डायरेक्टर का काम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं जरूर। थैंक यू। फिल्म की यहाँ गाने की शूटिंग चल रही है, कौन कौन से एक्टर आए हुए हैं कुछ बताएंगे सर? फिल्म है, फिल्म का टाइटल है दिल मिल गए, और मुख्य किरदार जो निभा रहे हैं जिसे हीरो बोलते हैं वो जय यादव हैं, और रितिका है हीरोइन का रोल कर रही हैं। उन दोनों का एक सॉन्ग सीक्वेंस था जो हम आज कर रहे हैं। जी सर, ये जानना चाहेंगे जो जय यादव हैं और रितिका शर्मा जी की यहाँ जो गाने की शूटिंग चल रही, रिहर्सल चल रही, शूट चल रहा है, कितने उत्साहित दिख रहे हैं वो, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं? जो शूट दिन भर में हुआ है, अभी नाइट का बचा हुआ है, बहुत एनर्जी लेवल दोनों का दिखा है, और दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी दिखी है, और बड़े मनोयोग से गाने में मतलब डांसिंग पैटर्न को उन लोगों ने मेंटेन किया जो कोरियोग्राफ किया गया था। कैसा सर एक्सपीरियंस रहा, दोनों प्रॉपर एक्टिंग कर रहे हैं आपके हिसाब से? हाँ, एकदम बेशक। और कहानी कुछ कहा जो फिल्म है उसकी कुछ कहानियाँ बताना चाहेंगे, कुछ ब्रीफ देना चाहेंगे दर्शकों को किस तरह की कहानी होगी? कथा वस्तु एक छोटे शहर की कहानी है, और प्रेम त्रिकोण है ये, है ना, और क्लैश है बिटवीन द ट्रेडिशनल कल्चर एंड द वेस्टर्न कल्चर, दोनों के बीच का एक क्लैश है, और कौन जीतता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। सर आप क्या कुछ करना बोलना चाहेंगे? एक्चुअली फिल्म अभी जय भाई के, जो जय भाई मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और अच्छे एक्टर हैं, वो मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, ये हमारी पाँचवीं छठवीं फिल्म है। जैसे अमरपाली जी की इससे पहले फिल्म थी, काजल जी की थी, निधि झा की थी, रानी जी की थी, उसके बाद अभी ये फिल्म कर रहा हूँ रितिका जी के साथ में। अच्छा परफॉर्म और मतलब बहुत बढ़िया, मेहनत तो है ही है, और मेहनत पर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं, बहुत बढ़िया। इस फिल्म में थोड़ा डिफरेंट और अच्छा लुक आया है, और कॉलेज स्टूडेंट बने हैं वो सबसे कमाल का जो है इनका लुक। तो बस एक बार और बता दूं कि एक हमारी और भी इस फिल्म में दो हीरोइनें हैं, निहारिका पवार डेब्यू कर रही हैं, उसने भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, अच्छी अदाकारा है, उसके लिए मैं शुभकामनाएं करता हूं कि भोजपुरी में वो अच्छा मुकाम हासिल करे, है ना। जी सर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्कार, देवेंद्र कुमार, मैं ये कहना चाहता हूं कि जय बहुत ही अच्छा एक्टर है और बहुत पुराना दोस्त भी है मेरा, रितिका भी बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेस है। जय के साथ अभी लास्ट हमने सुंदरी किया है, और इस फिल्म को लेकर काफ़ी वो मतलब बहुत उत्साहित, और इसका प्रिपरेशन मतलब बहुत समय से वो कर रहा था, तो बाकी शूटिंग तो बहुत अच्छी हुई है, सर ने मतलब कमाल काम किया है, लेकिन ये बैलेंस था तो काफ़ी प्रिपरेशन हो रहा था कि इसे करके थोड़ा मतलब बहुत कंप्लीट किया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टोरी और जो ये काम है, और सर राजीव सर ने इतना अच्छा काम लिया है कि इस काम को बाहर लाने के लिए बहुत उत्साहित दिख रहा था वो, तो हम लोग बात करते थे यार जल्दी कंप्लीट हो काम करो, फिर आशीष भाई सब लोग मिल करके,
तो अभी देख रहे हैं उसका उत्साह, वो जिस सिंसेरिटी के साथ वो कर रहा है, तो भाई बहुत बहुत शुभकामनाएँ, हार्दिक शुभेच्छा कि ये फिल्म सक्सेस हो, आगे सब लोगों के दर्शकों के सामने आए और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। तो ये फिल्म का नाम है दिल मिल गए, दिल मिल गए, और इसका पूरा ये फिल्म हो चुकी है। इसका एक गाना बचा है जो का प्रमोशन के लिए, वो फिल्म की प्रमोशन के लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को चुना। मैं कोरियोग्राफर प्रदीप हूँ, मेरे साथ शार्दुल है, ये मोना जी है, हम लोग साथ में मिलके, और ये हमारे राजू भाई है जिन्होंने ये सब यहाँ पे बुलाया, सब कोऑर्डिनेट किया, सबको बुलाया। तो अभी सुबह से तो काम चल ही रहा था, थोड़ा बहुत काम बाकी है, लेकिन गाना बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया, मोमेंट्स वगैरह सब, और आर्टिस्ट ने भी इंजॉय किया। जय और रितिका, रितिका, जय और रितिका की एनर्जी किस तरह की है? एकदम जय और रितिका दोनों भी आर्टिस्ट खूब बहुत कोऑपरेटिव है, हमारी बातें समझते हैं। हमारे लिए रिहर्सल लिया उन्होंने, रिहर्सल करने के बाद उनको भी इजी हुआ इनके लिए, तो फिर वो सब मेहनत का सब जो भी है वो अभी यहाँ पे ये गाने में खुल के दिखने वाला है। राइट, ये भी जानना चाहूँगा, जब से मैं आया हूँ मैंने देखा रितिका ने काफी बार रीटेक दिया हुआ। हाँ, तो वहाँ कुछ फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, आर्टिस्ट है, सुबह से धूप में खड़ा है, ये है, कभी कभी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, इधर उधर जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, तो होता है आदमी से, लेकिन हम लोग उसको वापस अपनी जगह पे लाना जानते हैं हम लोग। होता है वो। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल था आज यहाँ? आज बहुत अच्छा माहौल था और कुछ अलग था, कुछ यूनिक चीज़ें निकल रही है, और बहुत राजू जी के साथ में फर्स्ट टाइम हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बार उनसे आप बात कर लीजिए। जी सर, बताइए सर। जी शार्दुल मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हम इंडस्ट्री में एक साथ में आए, मैं और शार्दुल, शार्दुल से फिर हम प्रदीप से वो हुआ, फिर मोना जी, मोना जी सिर्फ मैं नाम सुना था मोना, बट काम में भी मोना जी ही हैं, मतलब इतना अच्छा है कि आदमी तारीफ जितनी भी करे कम है। और शार्दुल और प्रदीप तो बोलना ही नहीं है, इन लोग ने बहुत अच्छा काम किया है। ये फिल्म का चैलेंजिंग ये चीज़ था कि हमको एक गाना सिर्फ मिला है, और ये गाना जो है बाकी सब गानों से अच्छा हो इसके लिए हम लोग ने रिहर्सल रखा है इसके लिए, और वो सब बहुत अच्छा है, मतलब गाने तो बहुत अच्छे शूट हुए। दूसरी बात, रितिका और जय, इन्होंने मेहनत बहुत किया है फिल्म के लिए, और ये गाने के अंदर वो चीज़ देखने मिलेगी कि जो आदमी मेहनत करता है वो चीज़ रंग लाती है, और इन्होंने जिस तरीके से हम लोग ने बोला सब काम किए उन लोगों ने, तो बहुत अच्छा है। शार्दुल जी बोलिए। गाने के बारे में कहना चाहेंगे कि गाना सवेरे से जहाँ तक अभी तक हम लोग जितना भी शूट किया है वहाँ पर बहुत धमाल मस्ती हुई है, रिहर्सल में भी हम लोग ने बहुत धमाल मस्ती की, अभी बचा है थोड़ा सा नाइट सीक्वेंस, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत प्रिपेयर है, तो बस वेट करें नाइट होने की और जल्दी गाना कंप्लीट करने की और आपके लिए पेश करने की। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप बता सकें क्या होता है कि बहुत बार फिल्म बनती है, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर या डायरेक्टर नहीं मिलते हैं, कोरियोग्राफर नहीं मिलते हैं, आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे तो दर्शकों को बताइए कैसे किस तरह से संपर्क हो सकेगा? कुछ नहीं, हम लोग फेसबुक पे है, फेसबुक से कहाँ से भी, हाँ फेसबुक सर बहुत बड़ा है, क्या नाम होगा, किस नाम से सर्च करेंगे? अच्छा या कहीं ऑफिस देखो, मैं हम लोग अगर चाहिए तो हम लोग कोरियोग्राफी के लिए आपको अगर कहाँ पे अगर चाहिए तो प्रदीप कालेकर नाम का फेसबुक है, शार्दुल कुवार नाम का फेसबुक है, मोना सैयद नाम का फेसबुक है, इस पर आप अगर मैसेज करेंगे हम लोग हमारा नंबर दे देंगे और कॉन्टेक्ट कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग भी सुबह से, हम लोग जब से आए तब से आप लोग भी आए हैं, एंड थैंक यू सो मच ये चैनल्स के लिए कि आप लोग ने भी हम लोगों को हर चीज़ से कवर किया है। थैंक यू सर। जो गाने की शूटिंग चल रही है, कौन सी फिल्म है और आपके साथ कौन से कोच हैं? इस फिल्म का नाम है दिल मिल गए, और मेरे साथ में है जय जी एंड शरद जी, तो अभी फ़िलहाल मेरा और जय जी का गाना शूट हो रहा है। जी ये भी जानना चाहेंगे कि मैं जब देख रहा था यहाँ जब शूटिंग चल रही थी काफ़ी रिटेक भी हो रहे थे, कितना कुछ गुस्सा आ जाता है जब रिटेक कोई बोलता है, किस वे में लेते हैं आप? या पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है जब हम एक्ट करते तो कहीं ना कहीं हमारे पैर डिसबैलेंस होते हैं, हील प्रॉपर तरीके से नहीं केयर कर पाते हैं, तो होता है, इसमें क्या हो गया, पर प्रॉपर सीन शूट होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए रिटेक होते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूँगा, रीटेक का मतलब ही होता है परफेक्ट टेक। यस, जब तक रीटेक नहीं होगा तब तक परफेक्ट टेक नहीं हो सकता।
मैं तो ये जब देख रहा था मुझे काफ़ी दोनों में काफ़ी एनर्जी दिख रही थी। मैं जय जी से जानना चाहूँगा कि रितिका जी में कितनी एनर्जी थी। रितिका जी को तो मैं पिछले 8 से 10 सालों से जानता हूँ और दिन ब दिन इनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। बहुत कुछ सीखता हूँ मैं इनसे। ओह, मैं इनसे सीखती हूँ। ये एनर्जी कैसे गेन करती हैं, कैसे बचा के रखती हैं। तो जब काम की बारी आती है तो बहुत एनर्जी रहती है इनके अंदर। और जब हम देख रहे थे, हमें तो ये दिख रहा था कि जय जी की एनर्जी काफ़ी पावरफुल है, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, और रितिका जी थोड़ा सा हिचकिचा रही थी क्योंकि जय जी ने शूज पहने थे, रितिका जी ने हील पहना था। तो थोड़ा बहुत वो होता है। और आप जगह भी देख रहे हो कि वो जगह किस टाइप की बनी हुई है। और मेरा मानना है अगर रिटेक नहीं होंगे तो आप एडिटिंग पे आपको ढूंढने पड़ते हैं। परफेक्ट टेक नहीं मिलेंगे। अरे यार, वन टेक हो गया यार, कुछ और होते तो हम वहाँ से ले लेते। तो ये चीज़ें भी होती है एक्चुअली। बहुत कुछ कॉस्ट्यूम, बहुत कुछ आपके शूज़ पे भी डिपेंड करता है। जब आप गर्ल्स के बारे में स्पेशली कहना चाहूँगा कि कंपेयर टू बॉयज़ बहुत ज़्यादा कुछ संभालना होता है उनको, बिकॉज वो हील पहनती हैं तो वो पेंसिल हील होती है और उसके ऊपर डांस करना अगर हम लड़कों को दे दिया जाए तो शायद ही बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और हम लड़के लोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर रिटेक उसकी वजह से हो रहा है तो आई थिंक वो रिटेक नहीं होता है, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं उसकी वजह से होता है। और रिटेक होता है वो अच्छी चीज़ अच्छे के लिए ही होता है। ये जानना चाहेंगे कि जो शूटिंग हो रही है, इस तरह का माहौल बना है, क्या माहौल क्रिएट किया गया है यहाँ गाने का? देखिए, जो शूटिंग हो रही है ये एक कॉलेज टाइप का सॉन्ग है जहाँ पे इंटरटेनमेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो मस्ती कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो बहुत सारा वेरिएशन आपको इस गाने में मिलेगा। एक होता है ना कि सिर्फ डांस डांस डांस, सिर्फ डांस नहीं है इस गाने में। इस गाने में मस्ती भी है, इस गाने में गेम भी है, और इस गाने में क्या बोलते हैं, रोमांस भी है। तो एक ही गाने के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी दिख रही थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैंने जो पिछले 3-4 फिल्म जो देखी है आपकी, उसमें सोलो आपका है, आइटम टाइप का सॉन्ग्स है, डांस है सोलो जी। इस फिल्म में भी है कुछ सोलो ऐसा? नहीं, इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं। इस फिल्म में हम दोनों का साथ में ही है और सोलो इस फिल्म में ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की एनर्जी थी दोनों में? अभी कुछ ज़्यादा बोलना तो अच्छा नहीं होएगा, बट मैं जब भी शूटिंग वहाँ रिहर्सल हो रहा था तो रिहर्सल में देखा कि शूटिंग के टाइम पर क्या होता है। शूटिंग के टाइम पर वहाँ से डबल हो गया, मतलब वहाँ जो रिहर्सल में हुआ उससे डबल यहाँ एनर्जी है। और ये दो तो पावर है। जय तो मतलब ऐसा कि कुछ भी करना है, बस डांस ही करना है। और रितिका जग भी ऐसा लगा रितिका का भी कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। डांस का तो इनका बहुत ही अच्छा मोमेंट था, कोई चीज़ में उन्होंने मना नहीं किया कि मैं नहीं ऐसा नहीं करूँगी वैसा नहीं करूँगी, हर चीज़ पे इन्होंने एनर्जी दिया है। बहुत अच्छा था इनका और अच्छा लगा। ये भी जानना चाहेंगे कि आज एक गाने की शूटिंग हो रही है, दोनों गाने हैं, तीन गाने हैं, कितने गाने हैं? एक ही गाना है, एक ही गाना है। भोजपुरी में हम इस गाने को थोड़ा अलग टाइप का बनाना चाह रहे हैं और बस देखिए, गाना बहुत अच्छा बना है। जितना कोशिश हो रही है, देखिए किस लेवल पे बहुत अच्छा गाना है। बट हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि प्रॉपर वे में शूट किया जाए, प्रॉपर रिहर्सल किया जाए, प्रॉपर उसको प्लानिंग करके शूट किया जाए, उसमें क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग शूट किया जाए। इसलिए बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक ही सॉन्ग में आपको देखने को मिलेगा। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं, कितना कुछ अनुभव ले रहे हैं कि यहाँ रितिका जी हैं, यहाँ जय यादव जी हैं? सर, सबसे पहले नमस्कार। मैं इस फिल्म में डेब्यू करने जा रहा हूँ और मैं जय जी को भी अच्छी तरह जानता हूँ और रितिका जी को भी अच्छी तरह से जान चुका हूँ। और काफ़ी मतलब मुझे इन लोगों से उनको देखकर ऐसा मतलब हिम्मत मिला, या फिर कहते ना कि फर्स्ट टाइम आपका कुछ एक ऐसा लैंग्वेज में जो आपको लैंग्वेज आता नहीं हो, फिर भी मैं इनको देख के काफ़ी साहस मुझे मिला और इनकी एनर्जी देख कर आई थिंक नहीं यार, जब ये लोग कर सकते तो फिर मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। और काफ़ी अच्छा मतलब फिल्म की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और इससे मतलब जब मैंने सुना स्टोरी सुना और इस टाइप का जो कैरेक्टर था मेरा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी जब फिल्म रिलीज़ होगी तो फिर आप लोग देखना, बहुत अच्छी कहानी है, पूरी पारिवारिक कहानी है और आप पूरा सह परिवार दे सकते हैं। आप दर्शकों को आप बता सके आपकी अपोजिट कौन सी हीरोइन है? मेरी अपोजिट तो बहुत सारे क्या बोले ट्रायंगल जैसी समझ, मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरी रिवील नहीं कर सकते हाँ, बट सब एक दूसरे के अपोजिट है। तो जय जी, ये मान के चले ये जो कहानी है, जो प्रेम कहानी बने के लिए, तो वो एक ट्रायंगल टाइप की लव स्टोरी होगी उसमें? ट्रायंगल तो नहीं है, चार लोग हैं तो चार लोगों की लव स्टोरी है ये। एक्चुअली ये तीन की लव स्टोरी नहीं है, ये चार लोगों की लव स्टोरी है। और
इसमें आपको सस्पेंस बहुत दिखेगा, एक के बाद एक ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो आपको लगेगा कि यार अभी ये होने वाला है, आप एक्सपेक्ट कुछ करोगे होगा कुछ और। तो हम हर कोई कहता है कि हम बहुत अच्छा बनाने जा रहे हैं, बहुत डिफरेंट बनाने जा रहे हैं, कोशिश हम भी कुछ अच्छा करने की कर रहे हैं कि फैमिली भी देखे, इंटरटेनमेंट भी हो और आपको कुछ नया भी लगे। तो वैसी ही कोशिश है कि जब प्यार किसी से होता है तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि प्यार में पाना, और मेरे हिसाब से प्यार में देना होता है। एक परिवार को क्या दे सकते हैं आप, एक अब जिससे प्यार करते हैं उसको क्या दे सकते हैं आप। तो इसमें जो चारों करेक्टर है वो सेल्फिश नहीं है, कोई भी करेक्टर सेल्फिश नहीं है, हर करेक्टर इस फिल्म में ऐसा है कि जो प्यार में देना देने की चाह रखता है, उसको सिर्फ पाना नहीं है, देना ही देना है। तो ये मान के चले दर्शक इस फिल्म को इसलिए देखे कि ये प्यार तो है लेकिन सस्पेंस क्रिएट होते जाएगा, सस्पेंस होते जाएंगे, इसलिए दर्शकों को इसको देखना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस फिल्म में एक यूनिक चीज़ मिलेगा जो एक फैमिली भी करती है। यहाँ पे कोई विलेन नहीं है इस फिल्म में, ना कोई हीरो विलेन है, ना कोई हीरोइन विलेन है, ना कोई फैमिली मेंबर्स विलेन है, ना कोई फादर विलेन है। सिचुएशन नेगेटिविटी पैदा करता है और सिचुएशन ही नेगेटिविटी जो पैदा करता है वो फैमिली कैसे मिलके उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करती है। तो सारे जो करेक्टर्स हैं वो पॉजिटिव करेक्टर्स हैं, जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है, बट फिल्म का जो सिचुएशन है वो एक 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 करके सिचुएशन बनता जाता है और चीज़ें होती जाती है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ये फिल्म देखिए कि आपको लगेगा कि बिना किसी नेगेटिव करेक्टर के किस तरह से सिचुएशन नेगेटिव होता है, और किस तरह से अगर एक पूरा परिवार और एक एक पूरे दोस्त, एक फैमिली अगर एक हो तो हर सिचुएशन को कैसे पॉजिटिव वे में बदल सकते हैं। और सबसे बड़ा एक सोशल मैसेज ये जाएगा कि अगर किसी के साथ कुछ भी अगर गलती हो गया हो तो जब फिल्म लिखेंगे दर्शक तो उनको ये लगेगा कि काश हमारे साथ अगर ऐसा हो जाता तो आज हमारी लाइफ चेंज हो जाती। 99% लोगों के साथ होता है, मैं आई एम श्योर 99% लोगों के साथ होता है, और 99% फैमिली वो करना चाहती है लेकिन सिचुएशन ऐसे नहीं बन पाते कि वो कर पाते। तो इस फिल्म को आपको देखने के बाद लगेगा कि काश इस प्रॉब्लम को मैं अपने फैमिली के साथ शेयर कर लेता, काश मेरे साथ जो ये प्रॉब्लम हुआ था वो मैं अपने फैमिली के साथ शेयर कर लेता तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। सर, ये आप रितिका जी और आप अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत पुराने फ्रेंड हैं, शायद ये एक कारण होगा कि आप लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल ऑन कैमरा ऐसा है नहीं, अच्छा नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज अ पेयर हम लोग फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। हमने साथ में फिल्में बहुत करी हैं पर एक दूसरे के पर कभी एक दूसरे के पेयर में नहीं थे। तो मैंने इस बार रितिका जी को स्पेशली रिक्वेस्ट किया, इनसे बोला कि आप अपना टाइम निकालिए थोड़ा टाइम निकालिए, इस बार हम लोग साथ में काम करेंगे और एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। और इन्होंने पूरा सपोर्ट किया और अपना जो शूटिंग का टाइम था उसमें से टाइम निकाल के इस फिल्म के लिए इन्होंने टाइम दिया, और जब जब हमने बोला तब तब इन्होंने टाइम दिया। तो वेरी थैंक यू सो मच, रियली अच्छा लगा रितिका के साथ काम करके, और लोग काम करना भी चाहेंगे ये मेहनत देख के। और अभी आप लोग जब ये फिल्म देखेंगे तो बोलेंगे यार इतने 8 सालों की दोस्ती पहली बार क्यों स्क्रीन पे इस तरह से आ रही है, पहले आना चाहिए था और आगे और भी आनी चाहिए फिल्में। तो होपफुली प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, अगर दर्शक हमें प्यार देते हैं हमारे प्यार में बिल्कुल देंगे तो हम लोग तो कॉन्फिडेंट हैं। और दर्शक लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो देखें हमारी फिल्म को, अगर प्यार देते हैं तो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हमें आई एम श्योर कि 100% रिपीट करेंगे बिल्कुल। जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जी आप चाहे जवाब दीजिए कि जय जी एक्शन में बहुत अच्छे कंफर्ट होते हैं या रोमांस में कंफर्ट होते हैं? मैं समझता हूँ रोमांस में ज़्यादा कंफर्ट दिख रहे हैं, आप अपनी तरफ से बताइए। ये देखा जाए तो अगर जय यादव को का कंफर्ट जोन देखा जाए तो एज एक एक्टर के लिए कंफर्ट जोन तो सभी चीज़ें होती हैं। मैं एक्शन भी अच्छा करता हूँ, मैं रोमांस भी अच्छा करता हूँ, लेकिन अगर जय का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो इमोशंस में मिलेगा आपको। इमोशंस ऐसा नहीं कि मैं एक्शन अच्छा नहीं कर पाता या फिर रोमांस अच्छा नहीं कर पाऊँगा, कॉमेडी अच्छा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक दिल के करीब जो है वो इमोशंस, इमोशनल फिल्में होती हैं, जो इमोशन सीन्स होते हैं वो अपने आप में एक मेरे लिए कम्फर्ट जोन ज़्यादा रहता है। तो आप बोल सकते हैं कि अगर सबसे ऊपर हुआ है तो इमोशंस। नहीं नहीं, वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, बिकॉज हमने फिल्में तो की हैं, इनके इमोशन सीन भी मैंने देखे हैं, एकदम घुस जाते उस सीन में। और इनकी एक आदत है क्या, इमोशनल भी बहुत अच्छा करते हैं, फाइट भी बहुत अच्छा करते हैं, एंड रोमांस तो आज आप लोग देख ही रहे हो,
तो हर चीज़ परफेक्ट ही करते। मैं जय जी से नहीं जानना चाहूँगा, आपसे ही जानना चाहूँगा कि आप अच्छे दोस्त थे, इतने साल बाद ये पेयर क्यों बन रहा है, पहले क्यों नहीं जाना? एक्चुअली वो समय नहीं आया होगा, और जब सही समय आया तो हमने साथ में काम किया, और हम चाहते हैं कि हम आगे भी काम करें और आपको कंटिन्यू हम दिखेंगे, ऐसा टेंशन नहीं है। जय जी की सबसे बेस्ट बात बताइए। जय जी की सबसे बेस्ट बात ये है कि जय जी को कितना भी कुछ भी बोल दो, जय को गुस्सा नहीं आता है। और सारे लोगों को ऑपरेट करते नहीं है। हाँ, ये सबसे अच्छी नहीं, ये सबसे अच्छी आदत है इनके अंदर कि आप इनको बोल दो तो ये हमेशा ऑलवेज स्माइल करके ही बात, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम, यही तो क्वालिटी है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है इनके अंदर, जय जी के अंदर। अच्छा, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, आप रिवील कर सकते हैं जी, जय जी जब किसी और के साथ रोमांस करते हैं आपको जेलस फील होता है? नो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मैं भी तो दूसरों के साथ रोमांस करती हूँ ना, तो उनको तो ऐसा फील नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो और फिल्में करती तो डेफिनेटली उनकी हीरोइन अलग है, तो रोमांस तो करना ही पड़ेगा। एज ए फ्रेंड? नो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हाँ, मैं दर्श करूँगा, एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं बार बार कहते आया हूँ कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी अच्छी फिल्में बन रही हैं, प्लीज़ उन सभी फिल्मों को आप सपोर्ट करें, और सिर्फ यूट्यूब पे ही ना देखें, टीवी पर ही ना देखें, सिनेमा हॉल में जाएं, और अगर जो भी फिल्में आप देखते हैं हमारी, अगर आपको उसमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमें इस फिल्म में ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा वैसा कुछ चीज़ ना करें, और जो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर उसमें लिखें कि ये चीज़ अच्छा लग रहा है, और आप हम कोशिश करेंगे कि बार बार वो चीज़ें करें, तो आप लोगों का ही सहयोग हमारी इंडस्ट्री को बढ़ा सकती है और हम सब लोग को बढ़ा सकती है, तो थैंक यू सो मच, आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।